छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर आरोप प्रत्यारोप के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर बड़ा हमला बोला है। सीएम बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, उनकी वजह से ही राज्य में धान खरीदी अटक रही है और प्रदेश से धान का उठाव नहीं हो रहा है। एफसीआई में राज्य को चावल जमा करने की अनुमति नहीं मिल रही है, जिसके कारण कई सोसाइटी और कई राइस मिलों में धान जमा हो गया है और किसानों से धान खरीदी रुक रही है। सीएम ने यह भी कहा कि धान पर बोनस को लेकर उनकी सरकार केंद्र के सामने अपना पक्ष रखने को तैयार है। ये जो गुमराह कर रहे हैं और इसके कारण से हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एफसीआई हमको अनुमति, एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति नहीं मिली और इस कारण से राइस मिलर एफसीआई में चावल जमा नहीं कर रहे हैं और उसके कारण से जो सोसाइटी के जो धान है उसका उठाव नहीं हो रहा है, सोसाइटी में पूरा धान जाम हो गया है और ये केवल ये रमन सिंह जी के गुमराह करने के कारण से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गुमराह करने के कारण से स्थिति बनी। पूर्व सीएम रमन सिंह पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सीधे हमले से बीजेपी भी तिलमिला गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा सरकार की नीयत धान खरीदी की नहीं है, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को इस विवाद में ला रही है। राज्य सरकार सीधे केंद्र सरकार से बात क्यों नहीं करती? 28 लाख मीट्रिक टन चावल 30 सितंबर तक आपको जमा करने थे, अभी भी आपने जमा नहीं किया पिछला, और सितंबर का बाद में आपने अक्टूबर का समय मांगा, नवंबर का समय मांगा, दिसंबर का समय मांगा, दिसंबर तक आपने चावल जमा नहीं किया, तो पिछले साल का हिसाब किताब करेंगे कि नहीं करेंगे केंद्र सरकार? तो अभी तक इनका चावल जमा नहीं हुआ है, ये सरकार ये फेलवर रही है। अब जो ये आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर कि डॉक्टर रमन सिंह ने भ्रमित किया, अरे भैया आपकी सरकार है, आप डायरेक्ट पीएम से बात कर रहे हैं, आप डायरेक्ट गृह मंत्री से बात कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह बीच में कहां से आ गए? किसान और धान खरीदी पर पिछले 2 साल से सियासी पारा चढ़ता रहा है। पहले धान के कोटे को लेकर विवाद हुआ, फिर धान पर बोनस को लेकर, हाल ही में बारदानों को लेकर भी बघेल सरकार ने केंद्र पर सवाल उठाए थे। लेकिन धान पर मचा घमासान अब दो बड़े नेताओं की जुबानी जंग में बदलता जा रहा है। सीएम के आरोप से पहले पूर्व सीएम ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला बोला था। दो दिग्गजों की तरफ से हो रही बयानबाजी से ऐसा लगता है कि ये जंग अभी थमने वाली नहीं है। बिलासपुर से उमेश मोरे के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। धान पर केंद्र वर्सेस राज्य लगातार तनाव की स्थिति थी और अब बघेल वर्सेस रमन हो गया, पूर्व सीएम वर्सेस वर्तमान सीएम। दरअसल आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े तेवर के साथ, कड़े तेवर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर केंद्र सरकार को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच रमन सिंह गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। उनके पुराने कुछ बयानों को उन्होंने कोट किया और कहा कि ये बयान साफ बताते हैं कि ये केंद्र सरकार को भ्रमित करने की कोशिश है। जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि रमन सिंह बीच में कहाँ है, सीधे आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात कर रहे हैं। तो भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ दो दिग्गजों के बीच भी ये लड़ाई इस वक्त छिड़ चुकी है और धान का मुद्दा लगातार नए साल में भी गर्माता चला जा रहा है। चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं, भाजपा से विधायक, बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार मुरली जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। रजनीश जी, पहला सवाल आपसे करूंगा। मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं वो आपने सुना ही है, पूर्व मुख्यमंत्री पर, कि केंद्र और राज्य के बीच गलत फहमी पैदा कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए। अभिषेक जी, आप थोड़ा सा यदि पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे तो दिसंबर में सरकार बनने के बाद 2018 में, 2019 जनवरी से आप तमाम इनके जो बयान हैं, इनके जो क्रियाकलाप हैं उसको देखेंगे तो बिजली की कमी हो रही थी, बिजली लगातार कटौती हो रही थी, बोला गया कि बिजली के अधिकारी सब भाजपा ही हैं। कहीं पर पानी की समस्या हो रही, बोले पानी विभाग वाले भाजपा ही हैं। रोड के गड्ढे नहीं भरे जा पा रहे थे, रोड नहीं बन पा रहा था, तो सब अधिकारी भाजपा ही हैं। और ये धीरे धीरे इस स्तर तक उतर चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा वालों ने कर दिया, भाजपा वालों ने कर दिया।
और ये 2 साल से रोग आके कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की किसान समझ गई। आप मेरे को बताइए, पहले आपने बारदाना का व्यवस्था नहीं किया, 15 नवंबर से जो धान खरीदी प्रारंभ हो जाना चाहिए उसको आपने 1 दिसंबर कर दिया, टोकन सिस्टम कर दिया, और बारदाने की व्यवस्था नहीं, टोकन की व्यवस्था नहीं, किसान हलाकान परेशान है। ट्रांसपोर्टर से आप कब एग्रीमेंट किए हैं? और आप जो अभी ये बता रहे हैं कि सोसाइटियों में धान जमा है, बहुत सारे सोसाइटी, इनसे जानना चाहूँगा मैं अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता से कि छत्तीसगढ़ के कितने सोसाइटियों में ट्रांसपोर्टिंग का काम 100% शुरू हो गया है, नहीं हुआ है, लेकिन आप बहानाबाजी कर रहे हैं कि हमारा जो FCI है चावल को उठाव नहीं कर रहा है। अभिषेक जी थोड़ा सा ये बताएं कि पिछला कितने के एग्रीमेंट क्यों किया कि सेंट्रल केंद्र और राज्य के बीच गलत फहमी पैदा कर रहे हैं? नहीं, वो देखिए देखिए अभिषेक जी, लगातार कभी केंद्र सरकार को आरोप लगा रहे हैं, इनके नेता और खुद सरकार के बड़े दायित्ववान लोग बोलते हैं कि हमको बोरा नहीं दिया गया, केंद्र सरकार इनको बोरा उपलब्ध कराएगी, कभी हुआ है? तो ये तो रोज बयान बदल रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए कि हमारे ऊपर आरोप से हम कैसे बचें। लेकिन छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोग, किसान लोग समझ गए हैं इनकी नीति क्या है, नियत क्या है। 2500 की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसानों को भ्रमित करने के लिए रोज बयान और अपनी असफलता छिपाने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह निशाने पर हैं और अपनी असफलता छिपाने। देखिए अभिषेक जी निश्चित रूप से रजनीश जी सुन लीजिए, रजनीश जी सम्मानीय विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कद के नेता हैं, सारी चीज़ें इन्हें पता है, सब कुछ उससे वाकिफ है। जिस प्रकार से लगातार आरोप लगा रहे हैं, बिजली की बात करते हैं तो ये उनको भी पता है, 65,000 मेगावाट का पावर मुंगेली में लगाने के नाम पर किस प्रकार से जमीन का बंदरबांट किया गया और आज क्या हालत है वो छत्तीसगढ़ की जनता देख भी रही है और समझ रही है। मूल बात आज का जो विषय है अभिषेक जी, धान खरीदी में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है, बारदाना देना था केंद्र को, दिया नहीं, पैसे की जहां तक व्यवस्था है फंड की, चाहे वो GST की क्षतिपूर्ति हो, कोल की रॉयल्टी हो या अन्य मद का केंद्र का जो राज्य के हिस्से का बकाया है वो दिया नहीं, राज्य के चावल का उठाव, देखिए एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, संघीय व्यवस्था है हमारा, MSP तय करना और MSP पे खरीदी करना केंद्र का दायित्व है, राज्य सरकार एक एजेंसी के रूप में खरीदी करती है और जो 2500 रुपये समर्थन मूल्य का वादा है तो जो डिफरेंस की राशि है वो राज्य सरकार पहले भी दी है और तमाम व्यवधानों के बाद बावजूद अभी भी दे रही है, आगे भी देते रहेगी। मूल बात जो है बारदाने की व्यवस्था, रजनीश जी विधायक हैं सम्मानी, वो भी समझते हैं कि पूरे देश में जो बारदाने की व्यवस्था है जूट कमिश्नर के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और जो FCI के गोदाउन, जो छत्तीसगढ़ के FCI के गोदाउन में छत्तीसगढ़ के चावल को नहीं रखा जाएगा तो किसका चावल रखा जाएगा? जिस प्रकार से इनकी जो नीति और नियत है, देखिए अभिषेक जी पहले भी होता आ रहा है, माननीय विधायक जी आरोप लगा रहे हैं, मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एवरेज जो है 41% धान का उठाव फड़ से सीधे राइस मिलरों के द्वारा किया जाता रहा है, हमारे 2 साल की खरीदी में लगभग 61% से अधिक जो उठाव है वो सीधे फड़ से राइस मिलरों के द्वारा किया जाता रहा है। यदि देखिए नवंबर के महीने में, अभिषेक जी नवंबर के महीने में हर साल जारी होते रहा है जो ये हमने धान खरीदी को लेकर केंद्र पर आरोप और ये बहुत सारी बातें सुनी है। आज जो मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन सिंह गलत फहमी पैदा कर रहे हैं, जवाब में आपने सुना नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब डायरेक्ट बात हो सकती है केंद्र से तो रमन सिंह बीच में कहा। देखिए निश्चित रूप से ये संवैधानिक दायित्व है, झूठ भ्रम और गलत बयानी के चलते ही भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद के नेता है, 15 साल मुख्यमंत्री रहे और आज उस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जिनकी केंद्र में सरकार है, आज किसानों के विषय में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इनको छत्तीसगढ़ की जनता ने 9-9 सांसद दिए हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हालांकि 2 साल से इनको पूछा नहीं गया, बिना प्रभार के हैं, इतने सारे चुनाव हुए उसमें भी इनको लायक नहीं समझा गया, ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस प्रकार से गलत बयानी कर रहे हैं। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार का जो दायित्व है हमारी जनता के और हमारे प्रति भी है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, मुख्यमंत्री जी बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लगातार कल भी माननीय प्रधानमंत्री से जी से निवेदन किया गया और उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया, ये संघीय व्यवस्था है, पहले भी ये पहली सरकार है मोदी सरकार जो MSP के अतिरिक्त सहायता जो किसानों को दी जा रही है उसमें तरह तरह से व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, अभी ये बोल रहे हैं कि ये बोनस के स्वरूप में दिया जा रहा है, जबकि बहुत स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रति एकड़ धान गन्ना
और मक्के के किसानों को प्रति एकड़ के दर पे जिस प्रकार से उड़ीसा में कालिया योजना है, आंध्रा में रायतू योजना है, उस प्रकार से अलग से सहायता दी जा रही है। आप भी तो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो हम समझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रमन सिंह जी इस प्रकार से गलत बयानी करके झूठ और भ्रम फैलाकर छत्तीसगढ़ के किसानों का हित ना करें। हमारा निवेदन है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ने कहा कि रमन सिंह गलतफहमी पैदा कर रहे हैं और केंद्र और राज्य के बीच जो गलतफहमियां हैं उसकी जिम्मेदारी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर दी है। किस प्रकार की गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, क्या इसमें कोई फीडबैक आपका मानना है कि यहां से जा रहा है बीजेपी का या रमन सिंह का, जो ये अटकलें लग रही हैं या बीच में पूरे मामले धान खरीदी के अटक रहे हैं? अभिषेक जी, हमारे माननीय कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से रमन सिंह की बात सुनी नहीं जा रही है। तो यदि मैं इनकी बात मानूं तो मुझे नहीं लगता है कि रमन सिंह का कोई फीडबैक केंद्र सरकार बहुत सीरियसली लिया होगा या लेता होगा। यदि ऐसा है तो मुख्यमंत्री का जो बयान है, मुख्यमंत्री का जो आरोप है वो सरासर गलत है। यदि ऐसा नहीं है, इनकी बात केंद्र सरकार मान के फीडबैक लेके स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करने का कोई नियत रखती है, तो मुख्यमंत्री की बात सही भी हो सकता है। तो ये कहना, ये एक मैं सरासर इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मानता हूँ। चूँकि स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सी समस्याएं हैं अभी इस वक्त, बारदाने नहीं मिला, प्रोक्योरमेंट में देरी हो गया, नवंबर से जो होना था वो दिसंबर चला गया, उसके बावजूद भी जो उठाव होना है वो सब नहीं हो पा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट को तकलीफ तो है, FCA से भी उठाव नहीं हुआ है अभी, इसलिए तकलीफ तो है। तो तकलीफ, ये जो तकलीफ है ये पॉलिटिकली क्रिएटेड तकलीफ नहीं है, ये जो तकलीफ मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तकलीफ है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मैकेनिज्म को अगर आप दुरुस्त करें, मुझे लगता है कि इसमें बहुत से चीज़ें क्लियर हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी को या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू मुख्यमंत्री जो है, उनको चाहिए कि ये बात वो कैबिनेट सेक्रेटरी से बात करें, वहाँ जो ये FCA के जो इंचार्ज है उनसे बात करें, मंत्रियों से बातचीत चल रही है, कि इसको ना कि एक पॉलिटिकल एक सिस्टम को के ऊपर उठ के एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत अगर आप जाएंगे, आप बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। कोई भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स है उसमें कोई भी सरकार को इस तरह का, यदि मुख्यमंत्री का कथन में कोई बात सही है, तो मुझे नहीं लगता है कि रमन सिंह को अड़चन पैदा करना चाहिए या कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहिए। उनको भी सरकार का साथ देना चाहिए, खुलकर साथ देना चाहिए और कहे कि भाई यहाँ जो किसान है उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये उनकी भी जवाबदारी है। बिल्कुल, क्योंकि वो 15 साल इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं। ठीक, रमन सिंह को या फिर भाजपा को साथ मिलकर यहाँ पर सरकार का साथ देना चाहिए। रजनीश जी, ये बात बार बार आती है जब भी सत्ता पक्ष धान खरीदी को लेकर या किसी भी मसले को लेकर, हमने देखा पिछले 2 साल में कई बार उन्होंने कहा है कि ना तो यहाँ के सांसद साथ देते हैं, ना विपक्ष साथ देता है केंद्र सरकार के पास छत्तीसगढ़ की मांगों को रखने के लिए। शायद साथ नहीं मिलता है, इसलिए अटकाने की बात मुख्यमंत्री ने कही। देखिए अभिषेक जी, इनका उद्देश्य जो है यही तो है कि मीडिया में चर्चा हो जाए और कुछ लोग जो समझते हैं कि इससे कन्फ्यूजन पैदा होगा, तो ये सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा कर। अच्छा, मेरे को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को ये कब साथ मांगे हैं, कि सांसद को चिट्ठी लिखे हैं, कि मुख्यमंत्री निवास में बुलाए हैं, कि और कहीं पर इनके पार्टी के पदाधिकारी के और जो हैं बयान दे दिया कि इनका साथ नहीं मिल रहा है। कैसे इनको साथ, किस प्रकार का साथ चाहिए, वैसे साथ मांगने से हो जाएगा? और जो प्रवक्ता बैठे हैं इनको मालूम नहीं है, ठीक से ब्रीफिंग शायद नहीं लेके आए होंगे अपने नेताओं से, जो बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे कि जैसे इनका पूरे भारत देश में वर्चस्व है, गिने चुने जगह में रह गए हैं और बात बड़ी बड़ी बोलते हैं कि रमन सिंह जी को कोई पूछ नहीं रहा। अरे, अभी हमारे पत्रकार, सम्मानित पत्रकार जी बोल रहे थे कि कंफ्यूज्ड हैं, एक तरफ बोलते हैं इनकी चल नहीं रही है, दूसरी तरफ बोलते हैं रोड़े अटका रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। मेरे को आप एक बताइए अभिषेक जी, कि जब ये सेंट्रल पुल में जो इनको पिछले धान खरीदी का चावल देना है उसको देंगे, हिसाब करेंगे? इनके पास 4.5 लाख मीट्रिक टन धान सड़ चुका है, गायब हो चुका है, बेच दिया गया है। लगभग 1,000 करोड़ से ज्यादा का धान जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इनको लेवी का चावल देना था इनको सेंट्रल पुल में, तो क्या सेंट्रल इसको बताएं वो कि पिछला चावल हम दे चुके हैं, नहीं दिए हैं,
और सुरेंद्र जी बार बार ये सवाल बहुत जल्दी सर तथ्य भी सामने आएगा धान एफसीए में जमा नहीं हुआ जो जमा कर देना था ये क्या मामला अभिषेक जी अभिषेक जी अभिषेक जी यही तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पाखंड है। सुन लीजिए मैं आपको बता दूं ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। सुन लीजिए रजनीश जी सुन लीजिए ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। नवंबर अरे केंद्र सरकार एक मिनट अभिषेक जी एक मिनट इनको बता दूं कोई केंद्र 97% जो है सुन लीजिए रजनीश जी आपके पास आता हूं इनका जवाब ले लूं फिर आपके पास आता हूं रजनीश जी इसके बाद आपके पास आता हूं मैं इनका जवाब ले लेता हूं आप ही के सवाल है। रजनीश जी ये किसान हितैषी होने का ढोंग करने वाले लोग अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया है और इन्हीं की सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है तो यह कहती है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो C2 फार्मूले पर 50% लाभ संभव ही नहीं है तो यह इनकी असलियत है। ये बात करते हैं एफसीआई में चावल जमा करने की। पहली बार इस प्रकार से ये 15 साल शासन में रहे ये बता दें कि जो 31 दिसंबर जो है आखिरी तिथि थी चावल जमा करने की मार्च तक का जो आखिरी आंकड़ा आया था उसके बाद एफसीआई से आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। 97% जो चावल जो है वो जमा कर दिए गए थे उसके बाद लगातार ये यही सरकार अभिषेक जी 30 सेकंड लूंगा ये अभिषेक जी यही सरकार है ये कहती है कि किसानों को एमएसपी से ज्यादा देने से मार्केट की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये पूंजीवादियों की सरकार है ये वादा तो करते हैं स्वामीनाथन कमेटी लागू करने की लेकिन ये शांता कुमार आयोग की सिफारिश लागू करने एफसीआई को खत्म करना चाहते हैं पीडीएस को खत्म करना चाहते हैं समर्थन मूल्य पर खरीदी की सिस्टम को ही खत्म करना। बोले रजनीश जी अभिषेक जी क्या है अभिषेक जी क्या है ये आज जो विषय किया है इसमें इनके साथ समस्या है क्योंकि ये जो बात है उसमें सामना करने के हिम्मत ही नहीं है बड़े बड़े नेताओं नहीं अभी तो प्रवक्ता बैठे हैं इनके किसी बड़े नेताओं से करे वो विषय में नहीं रहेंगे ये फिर एमएसपी में स्वामीनाथन कमेटी में। रजनीश जी आप बताइए प्रधानमंत्री जी ने सच बोला कि झूठ बोला कहां से एफिडेविट में झूठ बोला गया। अरे आप चुप रहिए थोड़ा सा मेरा सुन लीजिए उसके बाद जवाब देंगे जब माननीय अभिषेक जी आपको बोलेंगे तो मैं आपने कहा के आंकड़े लेके आएंगे क्या है इनको आंकड़े का मालूम नहीं है 97% एफसीआई ने इनको कौन बता दिया अभी 415 लाख इनका जवाब है आप बोल रहे हो ना कौन बता दिया अपने मंत्री से पूछना कि विधानसभा में क्या जवाब दिया है और 847 करोड़ का धान अभी रखा हुआ है ये भाजपाई के नहीं है भाजपाई नहीं अपने मंत्री से पूछना अरे अपने मंत्री से पूछो जाके विधानसभा के दर्ज रिकॉर्ड में है आपके चिल्लाने से नहीं होगा। हाँ जी तो ये अरे रजनीश जी ये बता दीजिए कि मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है 1000 करोड़ का उद्बोधन में झूठ बोला। अरे अभी अपने को देखो अपने झूठे जो वादे किए उसको 36 वादे करके तरह तरह के जो ब्लेम कर रहे हो छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है और रो गाओ चीखो चिल्लाओ अभी चीखना बाकी है अभी तो शुरू हुआ है। अरे अभी कहां के 24 पांच तो गिनाओ तो एक नंबर में आता हूं किसान में रोते चीखते चिल्लाते बैठे हो आरोप लगाते और अभी तो और अभी चीखो के चिल्लाओगे छत्तीसगढ़ की जनता को असलियत पता लग चुका है अभी चीखते रहो चिल्लाते रहो कभी भाजपाइयों ने कर दिया कभी उसने कर दिया कभी उसने कर दिया ऐसे करते रहोगे 3 साल और जो करना है कर लो उसके बाद बहुत लंबे से छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है सोच ली है और आपके जो रोना गाना चीखना है ना सबको बहुत दिख रहा है कि क्यों चीख रहे हैं 36 वादे बड़े बड़े कर लिए और कर कुछ नहीं पा रहे हैं बार बार कभी बोरा नहीं राज्य के बीच केंद्र सरकार कहां से बोरा देती है। 2 साल में कई ऐसे मौके आए जब हमने यहां पर देखा कि केंद्र वर्सेस राज्य के बीच तनाव की स्थिति बनी ये अच्छे हालात नहीं है लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है ऐसा। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तनाव की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ के जनता के लिए कभी भी ठीक नहीं रहता बहुत से काम होते नहीं है। लेकिन ये जब दो अलग अलग पार्टियों का स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में दो अलग अलग पार्टी जब राज्य करते हैं
तब अक्सर इस तरह का तनाव की स्थितियां निर्मित होती है इसमें कोई, लेकिन ये पिछले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ पे, तब अक्सर कांग्रेस की तरफ से ये बयान आता था कि इनके जो नेतृत्व के लोग जब जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो यहाँ के रमन सिंह सरकार का तारीफ करके चले जाते थे। जी बिल्कुल। तो ये जो तारीफ जो करके जाते थे वो इसलिए नहीं करते थे कि यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा था, शायद इसलिए करते थे कि इस तरह का कोई तनाव की स्थिति निर्मित ना हो। कांग्रेस चूंकि सत्ता में बहुत समय से रहा है, उनको मालूम है कि किस तरह से संविधान के दायरे में रहकर काम करना है, तो शायद इसीलिए वो इस तरह का बयानबाजी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में आकर रमन सिंह सरकार के लिए दिया करते थे। हर बार जब भी वो आया है तब यहाँ के सरकार को, मुरली जी मतलब केंद्र की तरफ से आपका कहना है कि इस वक्त रोड़े अटकाए जा रहे हर तमाम मामलों में, रोड़े नहीं अटका रहे, तो शायद इस तरह का जो जो व्यवस्था थी यहाँ आके इनको केंद्र के प्रेस करने का वो व्यवस्था नहीं हो रही है अभी। वो केंद्र की तरफ से अब आप देखेंगे कोई मंत्री आता है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे यहाँ के सरकार को बहुत ज्यादा रिडिक्यूल तो नहीं करता, लेकिन पहले जैसा होता था वैसा नहीं था। तो स्टेट गवर्नमेंट में पहले कांग्रेस चिल्लाती थी कि भाई भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार के लोग आते हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तारीफ करके चले जाते हैं, लेकिन अब वो नहीं है। अब कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आते हैं, तो शायद अभी तक तो मैंने इस तरह का कोई बयानबाजी नहीं देखा है कि यहाँ आके सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट को प्रेस किया हो या उनको रिडिक्यूल किया हो, ऐसा मैंने नहीं देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का एक सिस्टम जो है जिसमें तनाव बहुत बड़ा है, केंद्र ने छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत भी किया है। पुरस्कृत करना वो अलग चीज़ है, वो छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस के हिसाब से करता है, वो डाटा है, उसमें उसमें कोई पॉलिटिकल आउटलुक नहीं होता। आपको मतलब पॉलिटिकल बयान इस प्रकार के संबंध होने चाहिए कि तारीफ एक दूसरे की करते रहे सब, यहाँ तारीफें करें भले झूठे ही सही, लेकिन तारीफ करें करते हैं इसलिए तनाव की स्थिति है। हाँ, तारीफ करते नहीं है शायद इसीलिए तनाव की स्थिति है। जी हाँ अभिषेक जी, मेरे से कुछ जी रजनी जी, हेलो जी जी आपसे था। हाँ जी, देखिए अभिषेक जी, ये सरकार ये सरकार बनने के बाद आप ध्यान दीजिए, 2 साल किया ही क्या है, राज्य सरकार का काम ही सिर्फ केंद्र की आलोचना करना रह गया, और ये उसके बदले चाहते हैं कि हम आके इनको सब करें, कभी हम विपक्ष को साथ नहीं लेते, बैठाते नहीं, बुलाते नहीं, कभी कोई कोशिश नहीं करते, और हमेशा टीवी में आके मीडिया में आके बोलते हैं कि इनको हमको साथ देना चाहिए, छत्तीसगढ़ के हित की बात, छत्तीसगढ़ के हित के लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, हमेशा किए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन ये सरकार ये सोचे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके पीछे पीछे ने केंद्र सरकार को कुछ भी होगा तो हड़ताल करने चले जाएंगे, शुरू से इनका एटीट्यूड है। ये यहाँ के विपक्ष का भी बड़ा पुराना सवाल है कि आप लोग कभी बुलाते नहीं बात करने के लिए और तारीफ के लायक काम नहीं करते और केंद्र को कोसते हैं, ये यहाँ छत्तीसगढ़ भाजपा का एक चिंता है या आरोप समझ लीजिए। अभिषेक जी, मुरली जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा संघीय व्यवस्था है, जिस प्रकार से 2003 से लेकर 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही, प्रत्येक साल माननीय विधायक हैं रजनीश जी बता दें कि नवंबर में कौन से साल में नवंबर तक चावल उठाने का आदेश जारी नहीं हुआ था। यही तो अंतर है भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियावादी सरकार चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए काम कर रही है। ये पूछना था आप लोगों को बुलाते ना, 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 ये सर्वविदित है, पहले भी जब 2500 रुपए देने से रोका गया, बोनस देने से केंद्र सरकार मोदी सरकार के द्वारा पहली बार भारत के इतिहास में किसी राज्य सरकार को रोकने के लिए आदेश, जो धान के उठाव से मना करने का जो आदेश आया था, अच्छा, उस दौरान भी आप 4000 कर देंगे तो मोदी सरकार करेंगे निवेदन, नहीं नहीं चुनाव जीतने के लिए उनसर बुलाएगा आप लोग, अभिषेक जी ये 4000 कर दे रेट और मोदी जी उसको रेट दे, इनको बोरा दे मोदी जी, ये भारतीय जनता पार्टी का है पहली सरकार। अरे आप भ्रष्टाचार में डूबे हो, भ्रष्टाचार में इतना डूबे हो, धान को 1000 करोड़ का बेच खाए, 1000 करोड़ का धान बेच खाए, 37,000 रिकॉर्डेड 1000 धान का धान के घोटाले, और कुछ भी वादा कर दोगे और केंद्र सरकार आपको पूर्ति करे। मैं रजनीश जी और सुरेंद्र जी माफी चाहूंगा, आज 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 इसको मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा, समय फिलहाल इतना ही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, मुरली जी आपको भी बहुत शुक्रिया स्पेशल कमेंट के लिए।
तो हालात क्या है आपने देखा यहाँ पर, केंद्र वर्सेस राज्य, कभी हालात बिगड़ जाते हैं, तनाव की स्थिति बनती है, और कभी सीएम वर्सेस एक्स सीएम की स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण हो जाती है। कुल मिलाकर कभी धान को लेकर या कभी किसी और मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष के तेवर बड़े तीखे हैं, और ये जो तनाव की स्थिति है पक्ष विपक्ष में रहे तो फिर भी ठीक है, लेकिन राज्य वर्सेस केंद्र में जब बदलती है तो दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। आज का मुद्दा में इतना ही।